नमस्कार, मैं हूं वैभव नाथ शर्मा और आप देख रहे हैं धर्मचक्र। अब नया साल 2015 बिल्कुल आने वाला है, तो नए साल को शुभ बनाने के लिए आपको मैं आज कुछ ऐसे 14 चमत्कारी उपाय बता रहा हूं जो आपके इस नए वर्ष को बहुत ही सफल और समृद्ध बना देंगे। इन 14 चमत्कारी उपाय में से कोई भी 6 उपाय आपको करना है। इन उपायों को करके आप अपने पूरे साल जो है खूब पैसा, खूब सफलता, खूब मान और ऐश्वर्य को प्राप्त कर सकते हैं। नया साल 2015 गुरुवार से प्रारंभ होगा और इस साल में जो लोग धन संबंधी परेशानियों से मुक्ति चाहते हैं उनके लिए आज मैं कुछ उपाय बताने जा रहा हूं। पुराने समय से चली आ रही धन संबंधी बाधाओं को दूर करने के लिए ये उपाय महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वर्ष 2015 गुरुवार से शुरू होगा और गुरुवार को ही समाप्त होगा, अतः इस वर्ष गुरुवार के कारक देवता भगवान श्री विष्णु की आराधना विशेष रूप से फलदायी सिद्ध होने वाली है। श्री विष्णु के साथ भगवान श्री गणेश, भगवान श्री महादेव यानी शिव जी और हनुमान जी की पूजा भी सभी इच्छाओं को पूरी करने वाली रहेगी। आज मैं आपको जो उपाय बताने जा रहा हूँ वे श्री गणेश, भगवान श्री महादेव और श्री विष्णु जी के साथ साथ हनुमान जी सहित सभी देवताओं से संबंधित हैं। तो आइए जानते हैं किस प्रकार आप इन उपायों को करें और 2015 को अपने लिए सफल और समृद्धशाली बनाएं। नए साल में धन प्राप्ति के लिए ये तांत्रिक उपाय अवश्य करना चाहिए। उपाय के अनुसार किसी पवित्र स्थान को गाय के गोबर से आप लीप दें। इसके बाद वहां एक त्रिकोण बनाइए, आटे से या रोली का प्रयोग करके आप एक त्रिकोण बना लें। त्रिकोण के अंदर अपने व्यवसाय या धन देने वाले स्रोत का, जिस भी माध्यम से आप पैसा कमाते हैं, उसका नाम लिखें और उस पर सिंदूर अर्पित करें। इसके बाद उस स्थान पर कंबल बिछा करके बैठ जाएं और महालक्ष्मी के मंत्रों का जाप करें। इस उपाय से बहुत जल्द आपको धन संबंधी समस्याएं से मुक्ति मिल जाएगी। जो भी आर्थिक परेशानियां आपके व्यापार में, आपके जीवन में आती हैं, वो दूर हो जाएंगी। ये धन के आगमन का सबसे सशक्त माध्यम है। यदि आप अचानक धन प्राप्त करना चाहते हैं तो इस उपाय को जो अब बताने जा रहा हूं इसे अवश्य करिए। किसी भी शुभ दिन में सुबह सूर्योदय से पहले उठें और नित्य कर्मों से निवृत्त हो जाएं। इसके बाद 11 सफ़ेद सुगंधित पुष्प लेकर के किसी चौराहे पर चले जाइए। इसके बाद चौराहे के मध्य भाग में सभी फूलों को एक साथ रख करके आप वापस चले आएं। फूल रखने के बाद घर लौट आएं और ध्यान रखें कि पीछे पलट करके आप ना देखें। ऐसा करने पर आकस्मिक रूप से धन लाभ होता है। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है कि ये उपाय सूर्योदय से पूर्व ही किया जाना चाहिए। आइए अब जानते हैं तीसरा उपाय जिससे आपको कुबेर देवता की कृपा बहुत अच्छे से मिलेगी। कुबेर देवता को प्रसन्न करने के लिए ये उपाय और जो मंत्र मैं आपको बताने जा रहा हूं, ये मंत्र बहुत चमत्कारी माना जाता है। इस मंत्र का जाप 21 दिनों तक निरंतर करना है, तो नए साल में आप इस मंत्र का जाप करके अपने आने वाले साल को शुभ बना सकते हैं। कुबेरत्वम धनाधीश गृहे ते कमलास्थिता ताम देवी प्रेषायाम त्वमचु मद गृहे ते नमो नमः। इस मंत्र का जाप करने से किसी भी जातक को भगवान श्री कुबेर, जो धन के अध्यक्ष बताए जाते हैं, देवताओं के कोषाध्यक्ष हैं, उनकी कृपा मिलती है। 21 दिन 108 बार लगातार इस मंत्र को करना चाहिए। इस मंत्र का जाप करने से पहले और कर लेने के बाद आपके अपने जो कुल देवता और आपके जो अपने इष्ट देवता हैं उनका ध्यान और पूजन अवश्य करें, उनसे अपने कल्याण की प्रार्थना अवश्य करिए। चौथा उपाय जानते हैं। नए साल की शुरुआत से ही ये उपाय हर रात में किया जाना चाहिए। उपाय के अनुसार रात्रि काल में भोजन बनाते समय जो रोटी सबसे अंत में बनती है उसे हमें ग्रहण नहीं करना चाहिए, यानी उसे खाना नहीं चाहिए। अंत में बनने वाली रोटी को किसी कुत्ते को खाने के लिए दे देना चाहिए। इस उपाय से राहु केतु और शनि के दोष शांत होते हैं और धन संबंधी कार्यों में सफलता मिलने लगती है। आइए बताता हूँ आपको पांचवा उपाय। आपके घर के आसपास यदि कोई ऐसा वृक्ष हो जहां चमगादड़ों का स्थायी वास होता हो, तो उस वृक्ष की एक टहनी तोड़ करके आप अपने घर में ले आइए। इस टहनी को अपने बिस्तर के नीचे या अपने ऑफिस में, अपनी गद्दी में, अपने कुर्सी के नीचे आप रख लें। अपने व्यवसाय स्थल के स्थान पर आप इसे रख दीजिए। ये एक बहुत शक्तिशाली टोटका है। इसके संबंध में माना जाता है कि इस प्रयोग को करने से धन संबंधी कार्यों में काफ़ी लाभ मिलता है। धन से संबंधित जो भी बाधाएँ हैं वह छूमंतर हो जाती हैं। अब जानते हैं छठवां उपाय। जब भी किसी खास काम के लिए घर से आप बाहर निकलें तब ये उपाय आपको अवश्य करना चाहिए।
उपाय के अनुसार घर से बाहर जाते समय शुद्ध केसर से स्वास्तिक बनाएं और उस पर उस स्वास्तिक पर अक्षत यानी साबुत चावल और पीले रंग के पुष्प अर्पित करके उसकी पूजा करें। इसके साथ ही घर से बाहर निकलते समय सीधा पैर यानी अपना राइट लेग दाहिना पैर जो है सबसे पहले घर के बाहर रखना चाहिए। इससे आपको आपके कामों में सफलता निश्चित मिलेगी। अब उपाय नंबर 7, दरिद्रता से मुक्ति के लिए नियमित रूप से रामबाण उपाय किया जा सकता है। ये उपाय बहुत चमत्कारी है, इसीलिए इसे रामबाण उपाय कहते हैं। ये उपाय किसी तालाब सरोवर पर किया जाए तो ज़्यादा अच्छा होता है, जहाँ पर मछलियाँ आपको आसानी से मिल जाएं। प्रतिदिन आटे की 108 गोलियाँ बनाएं और ये गोलियाँ मछलियों को आप अपने हाथों से खिला दीजिए। इसका प्रभाव बहुत चमत्कारी, बहुत शक्तिशाली है। इस उपाय के फल जो हैं आपको बहुत जल्दी दिखने लगते हैं, बहुत शुभ फल प्राप्त होते हैं। मछलियों के लिए आटे की गोलियां डालते समय लक्ष्मी मंत्र का जाप करना चाहिए और कम से कम 45 दिन ये उपाय करें तो पूरा साल बहुत शांति के साथ और धन की कृपा आपके साथ बनी रहे, ऐसा बीतेगा। आइए अब जानते हैं अगला उपाय। यदि आप लगातार परेशानियों का सामना कर रहे हैं और कड़ी मेहनत के बाद भी सफलता नहीं मिल रही है तो नींबू से संबंधित ये उपाय आपको अवश्य करना चाहिए। ये उपाय सूर्योदय के समय करें तो ज़्यादा अच्छा होता है। एक बड़ा और पीला नींबू ले लें और आपको ध्यान रखना है कि इस नींबू पर कोई काला धब्बा ना हो, ये आप ध्यान करके उस नींबू को चयन करें। उस नींबू के 4 बराबर आकार को 4 टुकड़े कर लीजिए। इसके बाद घर के आसपास जो भी चौराहा हो चौराहे पर चले जाएं और चारों दिशाओं में इस नींबू को फेंक करके आप घर वापस लौट के चले आइए। घर लौटते समय पीछे मुड़ करके ना देखें। ये उपाय लगातार 9 दिनों तक किया जाना चाहिए तो और ज़्यादा शक्तिशाली हो जाता है। और ख़ासतौर पर इस उपाय के बारे में बताना चाहूँगा कि ये उपाय अगर रात में 10 से 12 के मध्य करते हैं तो बहुत चमत्कारी, बहुत प्रभावशाली है। और नींबू को काटने के लिए इसमें जो चाकुओं का प्रयोग होता है वो लोहे का लकड़ी के हैंडल वाला चाकू होना चाहिए। स्टेनलेस स्टील के चाकू का प्रयोग इस उपाय के लिए वर्जित है। उपाय नंबर 9, हिंदी पंचांग के अनुसार किसी भी महीने के शुक्ल पक्ष के सोमवार को ये उपाय किया जाना चाहिए। यदि आपके शहर में भी कोई पवित्र बहती हुई नदी है तो सोमवार के दिन उस नदी के किनारे पर जाएं और अपने साथ एक मुट्ठी चावल लेकर के जाएं। नदी के पास पहुँच करके महालक्ष्मी के मंत्रों का जाप करते हुए इस चावल को नदी में विसर्जित कर दीजिए, बहा दीजिए। आपको बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। जीवन के सभी संकट, जीवन की सभी आर्थिक समस्याएँ तत्काल दूर हो जाएंगी। उपाय नंबर 10, यदि संभव हो सके तो प्रतिदिन सुबह सुबह गौमूत्र का छिड़काव पूरे घर में करना चाहिए। ऐसा करने पर आपका घर पूर्णतया पवित्र हो जाएगा और कई प्रकार के वास्तु दोषों से भी आपको मुक्ति मिलेगी। घर की नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट करने और सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाने का ये सबसे ज़्यादा सरल और सबसे ज़्यादा शुभ प्रभाव होता है, प्रयोग होता है। धन संबंधी कार्यों में ये बहुत अच्छा लाभ देता है। इस उपाय को करने से परिवार में सुख शांति समृद्धि बनती रहे। आइए अब जानते हैं उपाय नंबर 11। उपाय नंबर 11 के अनुसार आपको सुबह जल्दी उठना चाहिए और सभी नित्य कर्मों से निवृत्त हो जाना चाहिए। इसके बाद किसी भगवान गणेश के मंदिर में आप जाएं और वहां गणेश जी की प्रतिमा के समक्ष दूर्वा की 21 दल जो हैं गांठें आपको समर्पित करना चाहिए। दूर्वा चढ़ाते समय आप ओम गं गणपतये नमः मंत्र का जाप करें। इससे भगवान गणेश का अर्चन होता है जिससे भगवान गणपति प्रसन्न होते हैं। गणपति की कृपा से ही घर में रिद्धि और सिद्धि की प्राप्ति होती है, महालक्ष्मी की कृपा मिलती है। अब उपाय नंबर 12, महालक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए ये उपाय अवश्य करना चाहिए। जिस दिन या शुभ मुहूर्त में ये उपाय करना है उस दिन सुबह जल्दी उठें और नित्य कर्म पूर्ण होने के बाद किसी महालक्ष्मी के मंदिर में या किसी अन्य देवी देवता के मंदिर में 3 झाड़ू आप रख करके चले आइए। इस उपाय से बहुत जल्द सकारात्मक प्रभाव मिलते हैं। जो भी नकारात्मक प्रभाव आपके जीवन में होते हैं वह समाप्त हो जाते हैं। अब उपाय नंबर 13, शास्त्रों के अनुसार महादेव शिव जी को प्रसन्न करने पर सभी देवी देवताओं की कृपा प्राप्त हो जाती है। कुंडली के सभी ग्रह के दोष भी समाप्त हो जाते हैं, क्योंकि जो धर्मशास्त्रों में कहा जाता है भावहि मेट सकहि त्रिपुरारी, अर्थात कुंडली के जो भाव लिखे हैं अगर उसको मिटाने की क्षमता किसी में है तो वह त्रिपुरारी अर्थात तीनों पुरों के जो अध्यक्ष हैं, जो देवता हैं महादेव, उनके अंदर यह क्षमता है। तो शिव जी को मनाने के लिए नए साल में इस उपाय को अवश्य कर लेना चाहिए।
करना यह है कि सुबह जल्दी उठिए और नित्य कर्मों के बाद किसी शिव मंदिर में जाएं और शिवलिंग पर एक मुट्ठी चावल आप चढ़ा करके आएं। आपको ध्यान ये रखना है कि चावल साबुत होने चाहिए, उसमें टूटे चावल ना हो, अखंडित चावल चढ़ाने से बचना चाहिए। अब जानते हैं आखिरी उपाय, 14वां उपाय। नए साल में हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए सामान्य पूजा और हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, हनुमानाष्टक का पाठ आपको अवश्य करना चाहिए। उपाय के अनुसार आपको करना यह है कि हनुमान जी के सामने एक नारियल लेकर के जाएं और नारियल को अपने सर पर से 7 बार आप क्लॉकवाइज घड़ी की दिशा में घुमा लीजिए, जिस प्रकार आप मंदिर में परिक्रमा करते हैं। इसके बाद यह नारियल हनुमान जी के समक्ष आप इसकी बलि दे दें, तोड़ दें। इस उपाय को करने से जितने भी नकारात्मक प्रभाव हैं, जो भी नेगेटिव रिजल्ट्स आपको अपने जीवन में मिल रहे हैं, वह प्रभाव वह दोष दूर हो जाएंगे। और फिर उसके बाद वहां बैठ करके 7 पाठ हनुमान चालीसा, 7 पाठ बजरंग बाण और 7 पाठ हनुमानाष्टक का कर लेना चाहिए। इन 14 उपायों को जो मैंने आज आपको बताया है, इन सभी 14 उपायों में से कोई भी 6 उपाय यदि आप कर लेते हैं तो मैं ये गारंटी से कह सकता हूं कि आने वाला वर्ष 2015 आपके लिए पिछले सभी वर्षों में सभी अनुभवों में सबसे बेहतरीन होगा, सबसे ज़्यादा सफलता और समृद्धि दे करके जाएगा। तो नववर्ष 2015 आपके और आपके परिवार के लिए शुभ हो, मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।